कहा चाहें तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हरियाणा का आज 14वीं विधानसभा का पहला दिन है और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत MLO को आस होती है। इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि ये इस हम समुद्र मंथन के अंदर कौन कौन से MLA जीत कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और इस समुद्र मंथन के अंदर अगर देखा जाए सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें हासिल हुई हैं, साथ में उसने दोबारा से सरकार बनाई, और जजपा ने 10 सीटें जीती हैं और 10 सीटों के दम पर डिप्टी CM की पोस्ट प्राप्त की, और कांग्रेस ने पिछली बार से अपनी सीटों का इजाफा किया और 31 पर पहुँच गई हैं। और आज पहला विधानसभा स्तर है, आज, और आज के दिन सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे सीनियर अपने लीडर हैं MLA डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई थोड़ी देर पहले राज्यपाल जी ने, और आज वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का के पद पर वोटिंग होगी, उसके बाद हरियाणा को आज स्पीकर मिल जाएगा हरियाणा विधानसभा के अंदर, और आगे की कार्रवाई हम आपको तरतीब वाइज दिखाते रहें। CM साहब कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये शालीनता की जो परिभाषा आपने दी आज, आपसे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, हम तो पहली बार भी विधायक थे, दोबारा फिर विधायक बने हैं और संगठन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार से जो मैं तो कहूँगा जो गवर्नमेंट जो ये शालीनता की आज मिसाल कायम किया, मुख्यमंत्री पद यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा विजन है, उन्होंने कहा कि सभी विधायक आज हम यहाँ से पैदल चलेंगे, तो सारे ट्रैफिक की देखते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा उसमें ट्रैफिक में फंसेगे तो इसलिए सब पैदल चल रहे हैं। तो आपने देखा कि ये थानेसर से विधायक सुभाष सुधा जी ने अपने किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। कंवरपाल जी हैं और साथ में सुभाष शर्मा जी, इनको पुष्प देते हुए नई विधानसभा में स्वागत करते हुए। कंवरपाल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद जी। अब हम कंवरपाल जी को स्पीकर देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे? ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो स्पीकर साहब ने ये स्पष्ट इंडिकेशन दे दिया कि ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम स्पीकर में देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे। शर्मा जी ने जो संकेत दिया ना, वो और हमारे बीच में गोपाल कांडा जी जो MLA फिर से द्वार से बनकर आए, निर्दलीय तौर पर बनकर आए हैं। गोपाल कांडा जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो ये गोपाल कांडा जी हमारे बीच में थे, और इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? भाई साहब मुद्दे बताएंगे विधानसभा में, सारे आपके सामने आएंगे सारे मुद्दे। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। गुप्ता जी बहुत मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सदन के समस्त सदस्यगण, मुझे सर्वसम्मति से इस माननीय सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर मैं आज आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं तथा आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी दलों ने मुझ पर यह जो विश्वास व्यक्त किया है, उसकी वजह से ही मैं इस पद पर बैठकर निष्पक्ष निर्णय कर पाऊंगा। उसके लिए मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पद की बड़ी गरिमा है। अब से पहले जितने भी सदस्यों ने इस पद को सुशोभित किया है, उन्होंने इस पद की गरिमा बनाए रखी, इसलिए मैं भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप सब मिलकर मुझे इस विषय पर ताकत दें। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कुछ नियम और कानून होते हैं। यह विधानसभा नियम कानून और परंपराओं से चलती है। नियम और कानून को यदि हम ठीक ढंग से उपयोग में ले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।